नमस्कार, सवाल देश का विद्रोहित रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एजेंडा है वो है चुनाव के प्रथम चरण में झुकाव की सोच, पब्लिक का झुकाव की सोच। तो इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अविरल मलिक जी, भाजपा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव खुराना जी हैं, स्कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित मल्होत्रा जी टीएमसी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस सपोर्टर है अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, लोकसभा चुनाव का शुभारंभ हो चुका है, आज पहले चरण का मतदान भी हो रहा है। पहले फेज में 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पे वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 1600 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में ऑलरेडी उतरे हुए हैं। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 1 पूर्व राज्यपाल हैं जो अपने किस्मत दाव पे लगा रहे हैं। 21 राज्यों को मिला के दोपहर 1 बजे तक लगभग 37% मतदान हो चुका था। 3 बजे तक लगभग 67% मतदान वेस्ट बंगाल में हुआ है। इसके अलावा यूपी में 47%, यूके उत्तराखंड में 42%, राजस्थान में 42% और तमिलनाडु में 52% वोट हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक लगभग 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें से 8.4 करोड़ जो है मेल वोटर्स हैं और 8.23 करोड़ जो है वह महिला वोटर्स हैं। इसमें लगभग 35.67 वोटर्स जो हैं, लाख वोटर्स जो हैं, वो पहली बार वोट डालेंगे, जिनका उम्र लगभग 20 साल से 25 साल के बीच में है। तो आइए आज इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो डॉक्टर अविरल मलिक की तरफ जाता है। डॉक्टर अविरल जी, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से जबरदस्त वोटिंग हो रही है, ये क्या दिखाता है? क्या ये एंटी पोल वोटिंग है, यानी कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट है, या प्रो वोटिंग है, बनर्जी के फेवर में है? देखिए, लोगों के अंदर जो आक्रोश है उसको वोट के माध्यम से जिस प्रकार से दिखा रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। और वोटिंग परसेंटेज, ममता बनर्जी से किस बात का आक्रोश है? सेंटर का चुनाव है तो आक्रोश तो सेंटर के खिलाफ होना चाहिए ना, मोदी जी के खिलाफ होगा ना? आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं। तो कारण है हिंदुओं की स्थिति क्या कर दी वो सबको नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के द्वारा हिंदू विरोध किस प्रकार से किया जा रहा है, सनातन धर्म के लोगों को ममता बनर्जी किस प्रकार से अपमानित करने का कार्य कर रही है वो सबको नजर आ रहा है। टीएमसी के गुंडे किस प्रकार से वहां घूम रहे हैं वो सबको नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से सत्ता गुंडों को संरक्षित करने का कार्य कर रही है वो सबको दिख रहा है। कांजा शेख की आप बात कर लीजिए, संदेश खाली के विषय की आप बात कर लीजिए, ये जो संदेश खाली का विषय है इस कारण से ये बहुत बड़ा फैक्टर है पश्चिम बंगाल के अंदर। इस कारण से वोटिंग परसेंटेज हो रहा है और टीएमसी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोटिंग हो रही है। जनता मोदी जी की योजनाओं में विश्वास रखती है, जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है और मोदी जी की गारंटी देश भर में चल रही है। ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ। सुमित जी, सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज अभी तक टीएमसी का है और साथ में सबसे ज्यादा हिंसा भी बंगाल में ही रिकॉर्ड किया गया है, वेस्ट बंगाल में ही। तो ये क्या है, ये क्यों इतना हिंसा हो रही है आपके स्टेट में, टीएमसी राज्य में इतना हिंसा क्यों? रोहित जी, केवल एक बंगाल में नहीं हो रही, आप उठा के देख लीजिए जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वहां पे भी, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं आज 9 जितनी सीटों के ऊपर भी, 102 सीटों के ऊपर हो रहे हैं, वहां चुनाव में हिंसा हो ही रही है। आप उठा के देख लीजिए, बंगाल ही नहीं सभी जगह हो रही है। चाहे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने, प्रशासन ने जिस तरीके से लाठियां भाजने का काम करा है, आपको पीलीभीत के अंदर वोटरों को जाने नहीं दिया, रोक रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के बुरखा उठा करके देख रहे हैं कि आप वोट डालने आ रही हैं, क्या करने आ रही हैं, क्या क्यों चीज है, जिस तरीके से कि बाकी वोट परसेंटेज गिरे, वोट डाल ना पाए, तो इस तरीके से भी चीज देखी गई कि एक तरफ माननीय मोदी जी
सारे लोग ये कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, हर लोगों को वोट पर वोट डालना चाहिए, और आप जिस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं रोडों के ऊपर, इससे तो आदमी वोट नहीं डालता है। आज कई जगह ऐसे बूथों में देखा गया है लोगों ने बहिष्कार कर दिया है चुनाव का, वोट डालने नहीं गए हैं। और केवल ये बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में जिन 3 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। लिख लीजिए आज को कॉपी पे नोट कर लीजिए। अनिल शर्मा जी, बिहार में बहुत ही स्लो वोटिंग हो रही है, यूपी में भी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया गया है, क्या लग रहा है? अगर ये वोटिंग इतना स्लो चल रहा है, वो तो हमेशा प्रो रहता है यानी कि सरकार के फेवर में होता है, अगर सरकार बदलने की लोगों के अंदर इच्छा होती है तो वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है। सर देखिए रोहन जी, समस्या पता है क्या? समस्या ये है कि ये चाहते नहीं है कि ज्यादा वोटिंग हो, और ज्यादा वोटिंग होगी तो आपको, आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी मैं देख रहा था न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, बड़े न्यूज चैनल तो नहीं दिखा रहे क्योंकि वो तो पेड हो गए हैं, उनको तो सच्चाई दिखाने में शर्म आती, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल जो मेरे चैनल के साथी सुनील जी ने बताया वो एकदम ठीक बताया, तो अपने खर्च बदल रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन उनको मतदान केंद्र पर जाने के बाद निराश होकर आना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण ये तो पुलिस प्रशासन से लेके वो भी प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी उस मन इसमें समीकरण में लगे हुए हैं कि कम से कम वोट पड़े, और जो वोट सरकार को बदलने का कार्य करेंगे और जो निर्णायक होंगे वो वोट नहीं पा। यही कारण है कि आज जो वोटिंग परसेंटेज है, आज बता रहे आज और बिहार की यही स्थिति है, क्योंकि ये प्रशासन नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा वोट, क्योंकि बदलाव जब ही आएगा जब ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान में भागीदारी करेंगे। सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस और टीएमसी तो अभी से जो है मोदी सरकार पे इल्जाम लगाने लगी है कि वोटिंग से रोका जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि ट्रेंड जो है वो मिक्स ट्रेंड आ रहा है, कहीं पे तो जैसे तमिलनाडु और बंगाल में तो बहुत ही तेज वोटिंग हो रही है, लेकिन बिहार झारखंड यूपी और कई जगहों पे बहुत ही स्लो वोटिंग हो रही है, तो इससे आपको क्या लगता है, ये एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है? नहीं नहीं रोहित जी, दो चीजें हैं। 3 बजे तक की जो रिपोर्ट आई उसमें 51% के आसपास थी वोटिंग तमिलनाडु में, और हाँ 3 बजे तक की, साथ ही साथ तमिलनाडु और बंगाल और जो बिहार जिन राज्यों में इलेक्शन अभी चल रही है उसमें से करीब करीब 75 सीटें ऐसी हैं जहां पे गर्मी का मौसम है, मैं आपको बता दूं, और ये इतिहास ये ट्रेंड रहा है पिछले, आप अगर 3 चुनाव को देखेंगे तो 4 बजे के बाद वोटिंग अधिक होती है, 4 बजे के बाद, क्योंकि लोग घरों से निकलते हैं, काम काजी होते हैं, बहुत तरीके का काम है, और ज्यादातर जो घरों की महिलाएं होती है वो या तो 11 बजे पहले वोट दे देती हैं या तो 4 बजे के बाद घर से निकलती है वोट के लिए। साथ ही साथ एक चीज और है जो बंगाल में हिंसा, और बंगाल ही नहीं लगभग बिहार उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी जो छिटपुट घटनाएं हो रही है, कहीं कहीं तो बकायदा ये भी हुए ईवीएम मशीन भी तोड़ दी गई है, तो ऐसी घटनाएं भी हो रही है। इसकी वजह से अभी जो चुनाव आयोग की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आई नहीं है, चुनाव आयोग की ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी वो चुनाव पोलिंग खत्म होने के बाद आती है, तभी आप आकलन प्रॉपर लगा पाएंगे कि ट्रेंड क्या है, कहती है। जहां तक वोटिंग बोल रही है और टीएमसी बोल रही है कि मतदाताओं को बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और महिलाओं के बुर्के चेक किए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कमेंट? नहीं देखिए, वो देखिए जहां तक बात मतदाताओं को हो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने देने की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कहीं पे भी पूरे देश में ऐसा कोई भी जो बॉडी है वो कर सकती है। और दूसरी चीज, महिलाओं के बुर्के चेक किए जा रहे हैं, ये देखिए जांच एजेंसियां और जो पोलिंग बूथ पे जो पोलिंग पार्टी लगी होती है ये उनका अपना डिस्क्रिशन है, अगर उनको कोई डाउट है किसी पे तो वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई पगड़ी बांध ले मुंह पे कोई रुमाल बांध ले, तो इस प्रकार की चीजों को आप एक मतलब किसी रिलीजन से ना जोड़े, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती रही है, तो इसको आप किसी पार्टी के तहत ना जोड़े कि वो पार्टी करवा रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जानी जाती है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है।
खुराना साहब, अभी तक मिक्स वोटिंग देखा गया है, आपको लग रहा है कि 4 बजे के बाद ये स्पीड पकड़ेगा? और दूसरा जो ये वोटिंग ट्रेंड है वो क्या बता रहा है? अभी इट्स टू अर्ली कि क्या ट्रेंड चले बनेगा, क्योंकि अभी आज का जो 6 बजे के बाद का जो वोटर है उसका वोटिंग जो है 8 बजे तक चलेगा। इस बार जो मुझे लग रहा है कि लास्ट जो वोट डलेगा लगभग 8-8:30 तक डलेगा, क्योंकि जो सत्य प्रकाश की एक फैक्टर है, गर्मी बहुत थी, अब लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक सवाल ये है कि चेक करने की, जितने गलत काम, मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, आप हेलमेट डाल के, मुंह पे रुमाल बांध के, मास्क डाल के, बुरका डाल के या कुछ भी करके, अगर आप ऊपर ओढ़ के कोई चीज अगर आप जाते हो, किसी को डाउट है किसी को भी, तो वो उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इलेक्शन बुर्का हटाना जो है इलेक्शन के, जो इलेक्शन कराना चाहते हैं फ्री एंड फेयर होने के लिए जरूरी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज भी मोदी जी ने बोला है कि यूपी में 2 लड़के फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, अब बट ऑब्वियस है कि ये 2 लड़के जो हैं वो अखिलेश और राहुल गांधी हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में आ जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं? अनिल शर्मा जी सर, उनका पूरा अधिकार है, कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो एक दूसरे का कटाक्ष जानते हैं, अपनी तरफ नहीं जानते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2 लड़के में स्टाइल? अरे सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, कैमरा दीदी तो आप है, कैमरे के सामने तो आप ज्यादा खड़े होते हैं। बताइए, ऐसी कभी चीज हुई है? ऐसा कभी कोई फंक्शन या प्रोग्राम हुआ है जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए और वहाँ कैमरा नहीं पहुंचा हो? कैमरा तो वहाँ पहले पहुंच जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन फिल्म की शूटिंग में लगा हुआ है 5-10 साल से, और आगे भी कौन लगेगा? ये इस तरीके की बात ठीक नहीं। सुमित जी, मैं फिर आपसे भी यही स्टेटमेंट पे कमेंट लेना चाहता हूँ। मोदी जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता, आपके पास आ रहा हूँ सर, अविनल जी आ रहा हूँ। सुमित जी, मोदी जी ने कहा है कि 2 लड़के फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इन दोनों लड़कों को पहले भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो आपका क्या कहना है? नहीं करते मोदी जी तो ऐसे जो कि उनके आने से पहले कैमरा पहुंच जाता है। ठीक है सर, अब आपके साथी है सुमित जी, आप ही के इंडी गठबंधन के सदस्य है, इनको भी बोलने दीजिए। रोहित भाई देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, वो जो चाहे वो बोले, पर जनता अब इस बार बदलाव के मूड में वोट करेगी। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कहें, अखिलेश जी के लिए, राहुल जी के लिए कुछ भी कहें, वो उनका हटक है, वो क्योंकि उम्र हो गई है देश के प्रधानमंत्री जी की, तो वो बड़बोलापन है उनका, वो बोलने दीजिए, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ना देना चाहिए। देखिए उम्रदार है, 75 पार करने वाले हैं, तो इस चीज को हम लोग ध्यान ना दें। ममता बनर्जी तो बढ़ावा दे रही है ना दंगों को, दंगाइयों को, गुंडों को, बदमाशों को, वो तो दिख रहा है ना बंगाल। मलिक जी थोड़ा सा मैं उसमें भी करूंगा, थोड़ा सा करूंगा। देखिए थोड़ा सा आप डिबेट में अगर बैठे हैं, हमारे सभी लोग देख रहे हैं, तो मैंने कोई भी ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे आप आग बबूला हो रहे हैं। मैंने जरा सी बात करी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई उम्रदार तो है, आप भी जानते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कभी कौन सा रूप में आ जाते हैं, कभी पैसे में आ जाते हैं, कभी कौन नहीं है, उससे क्या मतलब है, क्या लेना देना है इस देश को? हम विकास की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, विषयों पर बात कर रहे हैं, किसकी उम्र हो गई, कितनी उम्र हो गई, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या लेना देना इन चीजों से? चर्चा करिए ना, बिल्कुल की बात करिए ना, बिल्कुल अंगों को कंट्रोल कीजिए ना, विषयों पर आप बात करिए, इन मुद्दों को छोड़िए। तो विषयों पे ही तो बात कर रहे हैं आप, आग बबूला क्यों हो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए प्रधानमंत्री है, कुछ बात कही है तो कहने दीजिए, पर चुनाव प्रचार है, हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश जी और राहुल जी कुछ नहीं कह रहे हैं, वरना तो ये बात पतंगा कुछ कहें तो वो पकड़ लेते हैं, इनकी एक आईटी सेल है बहुत बढ़िया वाली,
वो कहते कुछ हैं उसको तोड़ते हैं और कुछ चिपका देते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया आईटी सेल है इनकी। आईटी सेल है जो कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, और दूसरा जो है विपक्ष जो है इस बार आपको दिखा देगी कि ये दो जोड़ी जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वो भारी पड़ेगा मोदी जी के 75 साल के एज पे। जल्दी इसका जवाब दीजिए। नहीं, आईटी सेल की तो बात ही ना करें, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। और ये सुप्रिया श्रीनेत की बात करें तो शायद बेहतर होगा, सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट की ये बात कर ले तो शायद बेहतर होगा। किस प्रकार से महिलाओं का अपमान करने का काम सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा ट्वीट करके किया था वो सबको मालूम है। किस प्रकार से करुणा जी का अपमान करने का काम सुप्रिया श्रीनेत ने किया था अपने ट्वीट के माध्यम से वो सबको मालूम है। इस प्रकार की बयानबाजी ना करें तो अच्छा होगा। मंडी के लोगों का अपमान उन्होंने किया था, मंडी की जनता अपमान करने का प्रयास सुप्रिया के ये गलत है जो डिबेट है उसको ही कंटिन्यू रखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुराना साहब बोलिए, मुद्दे पर ही है, कहीं नहीं भागेंगे। ठीक है सर, ठीक है, फिर आते हैं। खुराना साहब एक बार बोल दे। मेरे हिसाब से इस समय इलेक्शन का लगभग एंड है। मैं 2019 याद कर रहा हूँ, 2019 में जब ये था यही ट्रेंड था। आप एक रोहित भूल गए, मणिपुर में इस समय एवरेज वोटिंग सबसे ज्यादा चल रही है, मणिपुर में शायद 80% प्लस हो चुकी है। तो ये जो कहना है ना, ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ऐसे मुझे जो दिख रहा है एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड क्लियर हो जाएगा रात को 9 बजे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है फेस पे, आप समझ लीजिए कि उनको दिख रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सत्यप्रकाश जी, और जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि दो लड़कों की जोड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और पहले भी रिजेक्ट हो चुके हैं, क्या लग रहा है यूपी में जो वोट हो रहा है उनको रिजेक्शन के लिए वोट हो रहा है? सत्यप्रकाश जी आपका ऑडियो और वीडियो दोनों फ्रीज हो गया है। ठीक है, मैं फिर आता हूँ, मैं सुमित जी के पास जा रहा हूँ। सुमित जी, टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा ईवीएम का विरोध किया है, और जिस तरीके से बंगाल में ही सबसे हाईएस्ट वोट जा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी के इस दावों को उनके ही स्टेट के लोग जो है खारिज कर रहे हैं? चलिए एक मिनट इसका उत्तर मैं दे देता हूं। देखिए ईवीएम की बात आई तो एक मिनट, ममता बनर्जी ईवीएम से मुख्यमंत्री बनी है, वो इस्तीफा सबसे पहले दे दे, अब जवाब दे दे सुमित जी। ठीक है, सुमित जी को जवाब देने दीजिए। भाई बिल्कुल बिल्कुल बनी है, मैं आपको जवाब दे दे रहा हूँ। 19 लाख ईवीएम गायब है देश से, शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम है मलिक साहब, इसके ऊपर आप जवाब दे दीजिए। 19 लाख ईवीएम क्यों गायब है और सड़कों पे क्यों पाई जाती है? सरकारी ईवीएम है, ईवीएम मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम में होना चाहिए, ना कि सड़कों पे होना चाहिए। जब अधिकतर कई चीजों में देखा गया है सड़कों पे पाई जाती है, कभी कभी किसी ट्रक में पकड़ी गई, कभी किसी गाड़ी पकड़ी गई, क्या है ये भाई, कौन सी ईवीएम है जो सड़कों पर पकड़ी जाती है? क्यों फर्जीवाड़ी ईवीएम चल रही है? बंद करिए ना, सरकार आपकी है, चुनाव आयोग आपका आपके लिए काम कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ईवीएम जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठते हैं निष्पक्ष होकर के चुनाव कराइए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ईवीएम पे ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा सवाल उठाया जबकि बंगाल में ही हाईएस्ट वोटिंग हो रहा है। नहीं नहीं रोहित जी, ईवीएम पे जहां तक बात की जा रही है ना, देश की सर्वोच्च संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी ईवीएम पे मैटर पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा स्पष्ट कर दिया है कि जिन पार्टियों को ईवीएम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है वो नहीं 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 बिल्कुल अभी डिसीजन कुछ नहीं उस पे, फाइनल डिसीजन के लिए पेंडिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पे कमेंट ना करें, डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है ऐसे सवाल ना करें बिना एविडेंस। अनिल शर्मा जी, हाँ, और दूसरी बात जहां तक ये रही कि बंगाल में चुनाव में ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि ईवीएम, तो देखिए सवाल जब आप लोकतंत्र की जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था जिन पार्टियों ने इंट्रोड्यूस किया वो खुद सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ डर है, ऐसी ये संभावना
दिख रही है कि उन पार्टियों के अंदर डर है, हार की चिंता है। अनिल शर्मा जी आ रहा हूं मैं फिर आपके पास सत्यप्रकाश जी। अनिल शर्मा जी, क्या आपके पार्टी में कांग्रेस में इंडी गठबंधन में डर है जिसकी वजह से आप पहले से ही ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिए हैं? मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि अभी से ही विधवा राग अलापना शुरू कर दिया, इन्होंने रोना शुरू कर दिया है, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। डर तो 400 पार वालों को है, पहली बात मैं बता दूं। परेशानी क्या है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की समस्या क्या है, वोटरों का विश्वास है इंडिया गठबंधन के साथ। जो वोटरों को ठगा जाता है ईवीएम हैक करके, पता चल रही है ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम की जगह किसी नाले में मिल रही है, किसी नेता के घर पे, किसी अधिकारी के घर पे, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है चुनाव। जो मतदान होता है जब तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते तब तक बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। लेकिन ईवीएम पे तो इन्होंने कभी भी इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि रिकवरी जो होती है कि हम इसको सुधारेंगे। हमारा जो विरोध है सिर्फ यही है कि फेयर इलेक्शन हो और फेयर काउंटिंग हो। ईवीएम में कितने जो बीएचआईएल है वो इसको मैन्युफैक्चर करती है, उसके एक कर्मचारी ने कहा कि इसमें जो ट्रिपिंग हो सकती है इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं और अपना मनमर्जी जो भी सेट करेंगे उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, एक सवाल बार बार विपक्ष के लीडर उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम जो है छुपाई जाती है। तो आज तक जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार बनी, क्या इन्होंने मास में इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि ईवीएम हैक हो गई थी, मैंने भी हैक कर लिया? ये भी तो हो सकती है सत्ताधारी दल, ये भी मतलब आप जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, लोकतंत्र पे विश्वास है, और आप हार जाओ, आपको हारने की संभावना दिखे तो आपको ईवीएम खराब है। देखिए, आपने ये इंट्रोड्यूस किया, ये आप मानिए प्रकाश जी, ये पार्टी के एनडीए गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं है, ये उस हर एक वोटर की प्रतिक्रिया है जो बदलाव चाहता है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता दूं, लोग मैं 10-20 ऐसे लोगों से आज भी मिला हूं, मैं वकालत करता हूं, लोगों ने यही कहा है आप कुछ मत करिए, लोग देश की जनता बदलाव चाहती है, सिर्फ ईवीएम को संभाल लीजिए। अगर मैं पर्सनली कि बूथ कैप्चरिंग हो, लोग मारे जाए, पोलिंग जो पार्टियां होती है उनको बम से उड़ा दिया जाए, आप चाहते हैं कि 2000 पहले जो चीजें बिहार बंगाल और उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी प्रकाश जी, क्या बैलेट पेपर को सेफ नहीं रखा जा सकता जैसे ईवीएम को रखा जाता है? नहीं, क्यों नहीं रखा जा सकता? क्या ईवीएम आप मानते हैं ना? अब एक काम इनके पास बच गया, 4 जून के बाद लकड़ी है, 4 तारीख के बाद ईवीएम की माला जपते कांग्रेस लोग भारत का निर्माण करते हैं, 4 जून अनिल जी, 1 मिनट सुन लीजिए, बस 1 मिनट में आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, ईवीएम बहुत है पीड़ादायक है, पीड़ा देंगे। ईवीएम चिल्ला रहे तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ईवीएम से बने थे, भगवंत मान मुख्यमंत्री ईवीएम से बने, अरविंद केजरीवाल ईवीएम से मुख्यमंत्री बने, और उसके साथ साथ ममता बनर्जी ईवीएम से मुख्यमंत्री बने, उसके साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ईवीएम से मुख्यमंत्री बने, साथ ही साथ अशोक गहलोत ईवीएम से मुख्यमंत्री बने थे, भूपेश बघेल ईवीएम से मुख्यमंत्री बने थे, और जो अभी आपके मुख्यमंत्री है सबको इस्तीफे करवा दीजिए, बड़ी खराब है ईवीएम। ईवीएम से ठीक है। खुराना साहब, किसी का आवाज नहीं जा रहा, खुराना साहब 30 सेकंड। रोहित जी, एक खुराना जी, रोहित जी एक बहुत टेक्निकल सवाल है और फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं। विपक्षी पार्टियां कह रही है ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने चाहिए, क्या पार्लियामेंट में आज तक ज्वाइंट कोई विपक्षी पार्टियों ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन किया? कोई आपने बिल के लिए आपने सरकार को कभी फोर्स किया? मुझे ये बताइए,
ठीक है, खुराना साहब 10 सेकंड, खुराना साहब 10 सेकंड, फिर अनिल जी, खुराना साहब 10 सेकंड, फिर अनिल जी प्लीज। हाँ देखिए, एक इधर उधर स्टेज पे बातें करने का कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है आप उसको गौर से सुनिए। सबसे सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम का आया तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप ईवीएम का हैकिंग के ऊपर, उन्होंने कहा जर्मन में, तो उन्होंने एग्जांपल दिया, खुद जज साहब ने पूछा आप ईवीएम कोई यूनिट, उन्होंने कहा नेटवर्किंग में आ जाएगी तो हैक हो सकती है, इंटरनेट पे आ जाएगी हैक हो सकती है, एक यूनिट जो बिल्कुल अलग सी है, इंडिविजुअल यूनिट है, उससे हैकिंग नहीं हो सकती, जस्ट लाइक कैलकुलेटर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं फिर आता हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले पे, हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। अनिल शर्मा जी, जो कांग्रेस का डिमांड है कि वीवीपैट से हर वोट को कैलकुलेट किया जाए, यानी कि मैच किया जाए, तो आप बताइए ना, अगर मान लीजिए कि वीवीपैट से अगर आप एक एक वोट को मैच कराने लगे तो आप देश का जनसंख्या, वोटर्स तो आपको पता है इसमें तो 10-20-25 दिन भी लग सकते हैं, और इस दरमियान तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी दर नहीं। जैसा आपने खुद पूछा है, मैं आता हूँ आपके पास एक बार, अनिल शर्मा जी जवाब दे दें इसका। रोहित जी, आर्म फोर्सों के ऑब्जर्वेशन में रहेगी, मैन पावर बढ़ाई जाएगी तो किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। इतना बड़ा एक्सरसाइज क्यों चाह रहे हैं जब वो रैंडम 2% से चेक हो ही रहा है, 2% वीवीपैट से तो मिलाया ही जा रहा है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ एनी पीपल्स ऑफ इंडिया, हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और उसका राइट है कि फेयर चुनाव हो, अगर वो बदलाव चाहता है तो बदलाव हो। खुराना साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बात जज साहब के सामने जब लाई गई इनके वकीलों द्वारा, उन्होंने क्या पूछा कि 60 करोड़ लोगों की काउंटिंग के लिए वीवीपैट के लिए, पहली बात तो वीवीपैट आप कहते हो कि हर एक को वीवीपैट हाथ में दो, वो उस बॉक्स में डालेगा, तो जब आप ईवीएम का चेक करोगे और वीवीपैट चेक करोगे दोनों बराबर आने चाहिए ना। अगर इनकेस कोई ऐसा विपक्षी पार्टी है उसको वीवीपैट को लेके मुंह में डाल लेता है, उसको डैमेज कर देता है, तो वो संख्या अनिवन हो जाएगी। तो आप ये देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खराब है वीवीपैट के। दूसरा जज साहब के सामने जो बात हो रही है, आप एक मिनट अनिल जी, रुकिए। दूसरी जो वहाँ कोर्ट में बात हो रही है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप बताइए कि आपको 60 करोड़ के जो भी अप्रोक्सीमेटली वोटर हैं उनकी वीवीपैट को काउंटिंग के लिए कितना समय चाहिए? 15 दिन मिनिमम, मतलब इलेक्शन प्रोसेस को 6 महीने का प्रोसेस बनाया जाएगा। ठीक है डॉक्टर अविरल जी, मुझे बताइए कि जो कांग्रेस का डिमांड है कि वीवीपैट से वोटिंग को मैच कराया जाए, उसमें दिक्कत क्या है? आप अलाउ कर दीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन लाएंगे और क्या होगा, इलेक्शन होगा। मैंने आपको भी बताया ना, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ये कौन सी बीमारी है, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? इनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफा करा दें, मैं तो इनसे निवेदन कर रहा हूं, चर्चा करते हैं उसके बाद बैठकर। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो ईवीएम से बने हैं, और ईवीएम से अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो इसका अर्थ है वो घपला घोटाला हो उसमें हुआ है, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से घपला होता है, घोटाला होता है। देखे एक मिनट, ये उससे उनसे इस्तीफा मांग ले, ये सुखिंदर सुक्खू से इस्तीफा मांग ले, अशोक गहलोत भूपेश बघेल से इस्तीफा मांग लेते, केजरीवाल भगवंत मान से इस्तीफा मांग ले और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग ले। मैं सीधे पूछ लेता हूँ, ममता बनर्जी रिजाइन देंगी? क्योंकि जब उनको वीवीपैट पे या ईवीएम पे ट्रस्ट नहीं है, सुमित जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अब बोलिए, हो गया। रोहित जी कहीं कोई शंका अगर है ईवीएम को लेकर के, तो अगर विपक्ष के लोग वीवीपैट के लिए कह रहे हैं तो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं भाई? ठीक है ईवीएम से होने दीजिए, वीवीपैट के भी मिलान कर लिया जाता है, तो क्या परेशानी है? और अगर देखिए कई अदर कंट्रीज में ईवीएम बैन हो चुकी है, हटाई जा चुकी है, ये आपको भी मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है। मलिक जी आपको भी मालूम होगा हट चुकी है, जहाँ जहाँ पे जहाँ से जवाब दे चुका हूँ कि वहाँ नेटवर्किंग हुई है सारे इनकी ईवीएम की, खुराना जी देखिए ईवीएम क्या है, ईवीएम भी हैक हो सकती है,
जिस जिस चीज के अंदर चिप लगती है वो सब हैक हो सकती है। आज मोबाइल हैक हो रहे हैं, मोबाइल हैक हो रहे हैं, तो ईवीएम हैक हो सकती है। मोबाइल हैक हो जाता है, तब आप वहां पे क्यों नहीं गए ईवीएम के उसको ईवीएम करने के लिए? सर ईवीएम भी है, सारा दिन कोई नहीं पहुंचा जी, ईवीएम भी है। अच्छा नहीं हो सकती, आप बता दीजिए। लेकिन आप बताइए, सब ड्यूटीज है, प्लीज सुमित जी इस पे कमेंट नहीं करें क्योंकि अभी सब ड्यूटीज है। अगर आप पहले ही फैसला दे देंगे कि ईवीएम हैक हो सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अनिल शर्मा जी, आप तो लॉयर हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं मेरे को विश्वास मेरे को रोहित जी, मेरे को विश्वास है सीवाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई हैं वो निर्णय अच्छा लेंगे ईवीएम के ऊपर, ईवीएम के ऊपर अच्छा निर्णय लेंगे। अब टॉपिक पे आएंगे, ठीक है अनिल शर्मा जी आप बताइए, ईवीएम पे इन्होंने एक तरीके से वर्डिक्ट देने की कोशिश करी, हमें वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए, आप बताइए कि क्यों अभी से ही आपने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया? प्रियंका गांधी ने भी बोला है कि अगर ईवीएम सही रहा, ईवीएम हैक नहीं हुआ तो 150 पे सिमट जाएगी बीजेपी। देखिए चुनाव आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लेकिन इनकी बुद्धि में नहीं आ रही है ये बात। अनिल शर्मा जी, चुनाव देखिए, हाँ मेरा लिंक टूट गया था, दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन क्या था? मेरा सवाल आपसे यही था कि अभी तो चुनाव का प्रोसेस शुरू ही हुआ है और अभी ही आपके टॉप लीडर जैसे प्रियंका गांधी ईवीएम पे रोना रोना शुरू कर दिया है, क्यों? रोना नहीं है, ये सच्चाई है, ये लोगों की आवाज है, वो ये कहना चाहती है अगर फेयर चुनाव होंगे तो इनकी विदाई तय है। अगर ये मन बना चुके हैं हमें तीसरे टर्म में जाना है, जनता ने मन नहीं बनाया, जनता तो चाहती है बदलाव, क्योंकि इनके व्यापारी और पूंजीपति सरकार से इतनी आहत हो गई है, गरीबी महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब जनता बदलाव चाहती है। लेकिन अगर ये चाहते हैं जी, मैं इसका उत्तर कुछ नहीं कर सकते। देखिए बेरोजगार कोई नहीं है, बेरोजगार गांधी परिवार है, बेरोजगार लालू परिवार है, बेरोजगार उत्तर प्रदेश का यादव परिवार है, बेरोजगार टीएमसी के लोग हो चुके हैं और एक चाय वाले के कारण हो चुके हैं। पीड़ा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री क्यों बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन कैसे गया, पीड़ा है इन्हें। सुमित जी अगर हम किसी चाय वाले से अगर अभी किसी चाय वाले से जो है वो किसी तक जाएगा ही नहीं, एक बार में एक आदमी। ठीक है सुमित जी अभी बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास तो रोजगार है कि आप भी बेरोजगार हैं? ऐसे प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को तो जनता को दे रहे हैं राज्य बेरोजगारी के दस्ते, 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। अब इन्होंने तो मलिक जी ने तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी बात को बिल्कुल, ये सारे राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं, राजनीतिक रूप से बेरोजगारी है इनकी, राजनीतिक रूप से बेरोजगारी मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर। फिर मैं आता हूँ सुमित जी को 30 सेकंड, फिर प्रकाश जी के पास आता हूँ। रोहित जी देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि सभी लोग जितने विपक्ष के हैं सब बेरोजगार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो भाई, सारे काम वाले लोग हैं सब तो इनके पास बैठे हैं ना, भ्रष्टाचारी देश को लूटने वाले सब इन्हीं के पास बैठे हैं, इन्हीं की गोदी में बैठे हैं समय, ठीक है, घोटाले घोटाले जितने हैं सब इन्हीं के पास बैठे हैं, ठीक है सुमित जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। सत्यप्रकाश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो घोटाला हुआ है वो इनकी पार्टी ने सबसे बड़ा करा है। मैं आता हूं खुराना जी सत्यप्रकाश के बाद। सत्यप्रकाश, अभी प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम से हैकिंग नहीं होता है तो बीजेपी 150 पे सिमट जाएगी, यानी कि प्रियंका गांधी अगर बीजेपी जीतती है तो ये मान के बैठी हुई है कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीतेगी,
क्या कहना चाहूंगा रोहित? रोहित जी, दो चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जो फैक्ट्स पे आधारित है। सबसे पहले ईवीएम को इंट्रोड्यूस कौन सी कंट्री ने किया, और दूसरी बात कि ईवीएम पे सवाल उठने कब प्रारंभ हुए, और भारत में ईवीएम पे सवाल उठने कब प्रारंभ हुए। 2010 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने यह दावा किया कि भारत में जो ईवीएम मशीन यूज की जा रही है उसको हम हैक कर सकते हैं। आप ये ध्यान देने वाली बात है, मिशिगन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दावा किया कि ईवीएम जो भारत में यूज की जा रही है उसको हम हैक कर सकते हैं। और 2011 में भारत सरकार ने 5 देशों से टाइप किया, जो भेल कंपनी है भारत सरकार की, वो ईवीएम मशीन भारत में बनाती है, और भारत सरकार 5 देशों को ईवीएम मशीन देती है जहां ईवीएम मशीन से चुनाव होती है। वो कंट्री कौन कौन से हैं, ये प्रवक्ता बैठे हुए हैं सभी पार्टियों को, इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। नेपाल है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ऐसे देश हैं जो भारत में बनाए गए ईवीएम का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये फैक्ट्स पे बात नहीं करते, डिरेल कर देते हैं। अब कौन कौन से देशों में ईवीएम को बैन किया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हंस रहे, जरा आप बता दीजिए कौन कौन से देश में ईवीएम को प्रतिबंधित किया गया है, आप इनसे जरा पूछ लीजिए। एक सेकंड, आपकी आवाज कटी हुई, रुकिए रुकिए रुकिए, रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, रिपीट कीजिए अनिल शर्मा जी। प्रकाश जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं, पहले आप बताइए, क्योंकि हमारी सुनने की आदत। हमने तो फैक्ट्स बता ही दिया, हमारे पास जो फैक्ट्स थे हमने बता दिया, और मैं वो भी बता दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सवाल करते, जब आप सवाल करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन पे, तो आपको उस सवाल का आंसर और उसके साथ फैक्ट्स भी देने होते हैं। कोई जवाब नहीं है, आप प्लीज। लंदन में बैन कर दिया गया है, यूके में बैन कर दिया गया है। नहीं, जर्मनी ने सबसे पहले ईवीएम को बैन किया, और उसके बाद फ्रांस ने बैन किया, मैं बताता हूँ इनको। और वहां पे इसलिए बैन किया गया, अब आप जान लीजिए, आप सर पे हाथ मत रखिए, अब मुझे पता है आपको जानकारी नहीं होगी इसकी। जर्मनी ने बैन किया और फ्रांस ने बैन किया, वहां ये तर्क दिया गया ईवीएम को बैन करने का कि ईवीएम मशीन जो है ये इंटरनेट से कनेक्ट थी, इस वजह से ये हैक हो जा रही थी। भारत की जो ईवीएम मशीन है, जो चुनाव आयोग ने तर्क दिया, देखिए मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो हूं नहीं, चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया कि हमारा जो भारत में ईवीएम मशीन यूज किया जा रहा है, ये किसी भी प्रकार के वाईफाई, किसी भी इंटरनेट से रिलेटेड डिवाइसेस से ये कनेक्ट तब तक नहीं हो सकती जब तक इसको इंटेंशनली कनेक्ट ना किया जाए। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आज के इलेक्शन के मुद्दे पे आता हूँ, सबसे क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ। खुराना साहब, आज का जो ट्रेंड है वो देखते हुए, मिक्स ट्रेंड को देखते हुए, क्या लग रहा है कि ये वोटिंग ट्रेंड जो है वो प्रो बीजेपी है या एंटी बीजेपी है? बस 10 सेकंड में, फिर मैं अनिल शर्मा जी के पास। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है सुबह से लेके अभी तक की, अलग अलग जगहों पे बीजेपी के फेवर में जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, सुमित जी, 10 सेकंड में आपका ये जो वोटिंग ट्रेंड है वो क्या बता रहा है, प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी, क्योंकि वोट तो इसी दोनों में हो रहा है, तीसरा तो कोई संगठन है नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से रिपीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से रिपीट कीजिए। इंडिया गठबंधन अच्छे मार्जिन से सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, इंडिया गठबंधन अच्छे मार्जिन से सरकार बनाने जा रही है, ठीक है, अच्छा अच्छा जवाब है। सत्यप्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहां तक अभी जो 102 सीटों पे चुनाव हो रहे, सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है तमिलनाडु। ये समझने वाली बात है कि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पे चुनाव हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट भी इस बार साउथ है, ये समझने वाली बात है। उत्तराखंड के भी सभी सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये भी बता दूं आपको। हाँ नहीं, तमिलनाडु जो सबसे महत्वपूर्ण है, और साउथ की जिन सीटों पे चुनाव हो रही है, और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया के जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, वहां पे कई सीटें ऐसी है जहां पे भाजपा की जीत की मार्जिन 2 लाख से अधिक है। साउथ में भाजपा की हार की मार्जिन 1.5 लाख से अधिक है। ये समझने वाली बात है, टेक्निकल चीजें हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी जो पहले चरण में चुनाव 102 सीटों पे हो रही है, यहाँ पे अगर 50% सीटें अगर जीत जाती है, या जो ओपिनियन पोल ने अभी तक सर्वे जो हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा, उसके अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी 50% सीटें यहाँ जीतती है,
तो इस चीज का एडवांटेज जो है भारतीय जनता पार्टी लेगी। और अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को 102 सीटों में अगर 30 या 35 से पहले रोक देती है तो विपक्ष के पास एडवांटेज होगी। जी मेरी ठीक है सुमित जी, क्या बोल रहे थे 10 सेकंड में, फिर मैं अविरल जी के पास आता हूँ। देखिए जहां जा हो रही, मैं तो पूरा ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ, जो अभी तक का ट्रेंड है वो जितनी ट्रेंड चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ चाहे तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक खाता नहीं खुलेगा इनका, ये लगाए बैठे साउथ में, साउथ से बहुत बुरी हार होगी इनकी, आप लिख के रख लीजिए। गोदी मीडिया ने प्रचार जो करा है वो केवल बड़े चैनल दिखा रहे, छोटे चैनल पे आप लोग को जो दिखाया जा रहा है वो बड़े चैनल पेड चैनल होते हैं। हाँ बिल्कुल आप दीजिएगा मलिक साहब, आप दीजिएगा, मेरे को बोलने दीजिए फिर आप दीजिएगा। जो पेड चैनल होते हैं वो सरकार का ही बोलेंगे, जो पेड चैनल नहीं होते वो सरकार के एंटी बोलेंगे, जो सच होगा वो दिखाएंगे, मैं इतना कहूंगा। अब मलिक जी आप बोल लीजिए। ठीक है सुमित जी, ठीक है। देखो ना कोई चैनल सरकार से एड मांगता है ना कोई चैनल पेड होता है। अब सुनिए आगे की बात, जहां तक चुनावों की बात है तो चुनावों में अब की बार 500 पार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की आपने बात की। देखिए सुनिए उत्तर प्रदेश की आपने बात की, चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनता भी यही कह रही है और आज आपके मुंह से सुनने के लिए मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 आ रही है सबको मालूम है। गुजरात की बात कर लीजिए 100% बीजेपी जीत रही है, बीजेपी राजस्थान 100% जीत रही है, हरियाणा 100% हम जीत रहे हैं, हिमाचल जीत रहा है, उत्तराखंड 100% जीत रहा है, और साउथ में भी 90% हमारी, किसी का आवाज नहीं जा रहा क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे बोल रहे। सत्यप्रकाश जी फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ आज का। रोहित जी देखिए मलिक साहब, पाकिस्तान की भी सीटें जीत रहे हैं, बांग्लादेश की भी सीटें जीत रहे हैं, बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। एक तरफ तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है, तो आप अपनी बात को जस्टिफाई पहले जनता के बीच में, बहुत इम्पोर्टेंट। पुराना साहब जल्दी से अब काम खत्म हो गया। आप इनकी फ्रस्ट्रेशन देखिए विपक्षी पार्टियों की, आज भी यूपी में एक पहला चरण का चुनाव सब जगह हो गया, यूपी में अमेठी अभी तक नहीं डिसाइड कर पाई। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, जो रिजल्ट कांग्रेस। हाँ ठीक है, चार बता रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 400 पार कर रहे हैं, आज 102 सीटों पर चुनाव है, इनके जो प्रत्याशी है उनका स्वागत आप देख रहे हैं टीवी पे चैनल पे किस तरीके से हो रहा है, इनके प्रत्याशियों को गांव में शहरों में वोट मांगने के लिए घुसने नहीं दिया जा रहा और ये 400 पार का नारा। चलिए 102 की बात है, एक मिनट आज 102 की बात है, 102 में बता देता हूँ मैं, 102 में 100 प्लस हमारी आ रही है, इस बात को समझ लीजिए। तो बचा क्या, 2 छोड़ दिया आपने, वो भी ले लीजिए। ठीक है इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं। देखते हैं कि डॉक्टर अविरल मलिक जी की बात सही होती है या सुमित जी की या अनिल शर्मा जी की बात सही होती है या सत्यप्रकाश जी की या राजीव खुराना जी की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।